क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि दशमलव प्रसार जो है परिमेय संख्या का शांत है कि अशांत है। यानी यहाँ बताना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का, आपको बिना डिवाइड किए, बिना भाग दिए यह बताना है कि क्या जो परिमेय संख्या दिया है उसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। एक बार समझेंगे शांत और अशांत का रूल क्या है। यहाँ पे किसी भी परिमेय संख्या का दिया रहता है, सबसे पहले उसका गुणनखंड करेंगे। किस स्मॉल एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, क्वेश्चन दिया था पहले क्या था, 13/ कितना था, 13/3125 था। मैंने क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे, दिया हुआ है कि 13/3125। देखिए ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो सबसे पहले जो हर दिया है उस हर का क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे 3125 का पहले गुणनखंड कर लीजिए, यहाँ पे 3125 गुणनखंड कर लीजिए। देखिए कटाना जिनका होगा सही प्रशांत रहा। देखो कैसे कटाएंगे, पांच कटाएंगे, पांच से कितना होगा 30। देखिए एक बच गया, पांच गुना के 10, अब पांच पचे 25, पांच एक अम्मा पांच, पांच गुना के 10, पांच पचे 25, फिर कटाओ पांच से, तो पांच गुना के 10, पांच पचे 25, पांच पचे 25, पांच एक अम्मा। अब इसमें कितना पांच आ गया, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे 13/ कितना हो जाएगा, 5 के पावर 5। लिखेंगे यहाँ की यहाँ पे कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का हर 2 to the power m 5 to the power n के रूप का है, रूप का है। लेकिन यहाँ पे 2 तो नहीं आएगा, क्या है 5 है हुआ। तो यहाँ पे 2 नो है, तो 2 to the power n आए या 2 to the power 5 आए। n मतलब कि नंबर है, 5 है तो n का मान कितना हो जाएगा 5। n या m लिखा हो पावर है, 2, 3 जो भी आ सकता है हम लोग। तो यहाँ पे जो परिमेय संख्या का जो हर है वो 2 to the power m और 5 n के रूप का है, अतः के रूप का है, अतः इसका इसका दशमलव प्रसार क्या होगा आपका, शांत। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, बिना गुणनखंड के उसको नहीं करेंगे। आगे समय अगर यहाँ पे देखिए रूल है कि 2 to the power या तो m आए या तो 5 to the power n आए या दोनों साथ आ गए, अगर 2 और 5 के अलावा अदर नंबर आ जाएगा तो शांत नहीं होगा, क्या होगा, अशांत होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 17/ इस 8 ये दिया हुआ है, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे मान ली 15/1600 दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15/1600 पूछ रहा है कि क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 1600 दिया है उसका हम फैक्टर करेंगे। कर लीजिए यहाँ पर, देखिए सब लोग कटाना, देखिए कटाने बहुत सारे लोग गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। अब जो बहुत ज़्यादा लगता है सर कटाई लेंगे, हम गलती नहीं कर सकते हैं, तो हम ऐसे नंबर देंगे वो कटाई नहीं पाएंगे, वो कटाएंगे तो पक्का गलती करेंगे, इसलिए सब ध्यान समझो। यहाँ पे सबसे पहले कटाओ, देखो 2 8 कितना हो गया 1600 हो गया, फिर कटाओ 2 से कितना होगा, 2 4 8, 2 से कटाओ 2 × 4, फिर कटाओ 2 से कितना मिलेगा 100, 2 से कटाओ कितना मिलेगा 50, फिर कटाओ यहाँ पे 2 से कितना मिलेगा 25, फिर कितना मिलेगा 5, कट गया। अब देख रहे हो कि सर जी यहाँ पे 15/1600 ले सकते हैं, यहाँ पे क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, जो 1600 दिया है 1 2 3 4 5 6 दिया है तो कितना होगा, 2 to the power 6 हो गया, 1 2 दिया है तो कितना होगा, 5 to the power 2 हो गया। अब देख रहे हो यहाँ पे कि इसका जो है 2 to the power 6 × यहाँ पे हो जाएगा 5 to the power 2। लिखेंगे यहाँ पे कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का हर 2 to the power m × 5 to the power n के रूप का है, रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अतः इसका इसका
दशमलव प्रसार शांत होगा। हर समय कैसे करना है, कोई नंबर कितना भी कठिन रहेगा आप चाहो तो उसको आसानी से लगा सकते हो, लेकिन याद रूल क्या है, सिर्फ दो आए अथवा पांच आए, अथवा दो और पांच सात आवे, लेकिन दो और पांच के अलावा अदर नंबर आना नहीं चाहिए। अगर अदर नंबर आएगा तो क्या हो जाए, तीन आ जाए, सात आ जाए, तेरह आ जाए, सत्रह आ जाए, उन्नीस आ जाए, तेईस आ जाए आपका, और इसके बाद उनतीस आ जाए, इकतीस आ जाए, तैंतीस सॉरी आपका सैंतीस आ जाए, ऐसे में तो वह क्या हो जाए, इकतालीस आ जाएगा, तो क्या होगा, दशमलव प्रसार और शांत हो जाएगा। अगर समय उतार लीजिएगा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दे रहा है कि यहाँ भी वही करना है कि क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। देखिए शांत अशांत पढ़ रहे हैं तो शांत भी रखिए, आप शांत अशांत पढ़ रहे हैं शांत रहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ देखिए दिया हुआ 6/15 दिया है, बताओ 15 इकट्ठे करो, 3 गुणे कितना हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करके यहाँ पे 6/ कितना होगा, 3 गुणे 5 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे 3 आया और 5 आया, दो आया है नहीं आया, लेकिन यहाँ पे दो के पावर यम और 5 के पावर एन के रूप का नहीं है, लिखेंगे यहाँ पे परिमेय संख्या का हर, परिमेय संख्या का हर 2 के पावर यम इंटू 5 के पावर एन के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार शांत के शांत अशांत होगा। समय अब पहले से फैक्टर किया हुआ है, बताओ शांत है या अशांत, अशांत क्यों है, अशांत क्यों है, दो और पांच के अलावा सात आ गया है। मैं बताया था कि अगर कोई परिमेय संख्या का जो अगर पूछ रहा है कि शांत है कि अशांत, जो हर होता है जो बोलते डिनोमिनेटर, उस हर का क्या करते हैं कि हमेशा उसका फैक्टर करेंगे। अगर फैक्टर दिया भी है तो चेक कर लो क्या दो और पांच का अदर नंबर तो नहीं ना है, अगर अदर नंबर सात आ जाए, तीन आ जाए, ग्यारह आ जाए, तेरह, सत्रह, उन्नीस आ जाए, तो क्या होगा, परिमेय सॉरी अब दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यहां भी लिखेंगे कि परिमेय संख्या पेपर में आपको बस सीधे लिखोगे शांत का शांत नंबर नहीं मिलेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि क्यों भाई शांत, रीजन दोस्त का ना नियम बताओ सबको, अशांत है अशांत है। परिमेय संख्या का हर 2 के पावर यम इंटू 5 के पावर यन के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, आसान। हर क्वेश्चन ऐसे लिखना है, ऐसे में बिना लिखे नंबर नहीं मिलेगा ऐसे में। अच्छा उस इस बार जो पेपर में क्वेश्चन दिया था बोर्ड पेपर जो आया था उसमें थोड़ा अलग तरीका दिया था, उसको बनाना था कि उसको शांत बनाइए, ठीक ना। उसमें क्या था कि आप जिसे क्वेश्चन दे दिया इस खत्म कर बताते हैं इसको हम, वो क्वेश्चन आया था थोड़ा सा हट के से क्वेश्चन दे दिया था, जिसे आप देखेंगे रेड बुक होती है उसे दिया क्वेश्चन कि वो पहले से दे दिया है, मान लो सपोर्ट एक पावर मेंटेन करना है, पावर मेंटेन करके बताना है कि वो शांत है कि अशांत, थोड़ा सा घुमाया था क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आया था इस बार पेपर में, ऐसे में पेपर होगा वो चाहो तो लाग पड़ सकता है ऐसे में। आगे देखिएगा यहाँ भी देखो 2 और 5 है तो क्या हो जाएगा, सात के साथ शांत हो जाएगा। अब देखो यहाँ देखो 343 को लिख सकते हो कितना, 7 के पावर 3, क्या 2 5 आया है, नहीं आया सर, 2 आया ना 5 आया, बल्कि क्या आ गया है 7 आ गया है, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब तो कर लोगे। अब एनी स्टूडेंट बताया कि शांत में और अशांत को दिक्कत है किसी को, कितनों बड़ा कर लोगे, हाँ गुणखंड आपको आना चाहिए, गुणखंड सही करेंगे आप लोग तो क्या गलतियां नहीं होगी ऐसा में। चलिए कर लीजिए।